वेलकम टू सोशल। हर एक एक्टर के करियर में ऐसी कई फिल्म्स होती हैं जो अनाउंस कर दी जाती हैं पर कभी बनी नहीं पाती। सुशांत सिंह राजपूत के करियर में ऐसी कई फिल्म्स रही थी जिनसे वो जुड़े हुए थे पर कभी वो फिल्म्स आगे शूटिंग स्टेज तक पहुंची ही नहीं। बहुत सी फिल्म्स में प्रोड्यूसर्स ने बैकआउट कर दिया तो कुछ फिल्म्स कंट्रोवर्सी में पड़ गई और कुछ फिल्म्स सुशांत के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स थे। इस वीडियो में हम सुशांत की उन्हीं कुछ फिल्म्स के बारे में बात करेंगे जो कभी बनी नहीं पाई। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। 31-year-old Indian actor Sushant Singh is here to prepare for his role in the upcoming Hindi film Chand Mama Dorki. It's a drama in which Singh's character becomes the first Indian to walk on the moon. Instill the same emotion, create the same kind of visual experience as you probably get to see in films like Gravity or Interstellar. Number 1, Pani. शुद्ध देसी रोमांस के बाद सुशांत ने फिल्म पानी साइन की थी जिसे लेकर सुशांत बहुत सीरियस थे। इस फिल्म को डायरेक्ट शेखर कपूर करने वाले थे जो कि इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में अपनी फिल्म्स के लिए फेमस हैं। शेखर कपूर ने मिस्टर इंडिया, बैंडिट क्वीन और एलिजाबेथ जैसी आइकॉनिक फिल्म्स बनाई हैं और उनकी हर फिल्म काफी रिसर्च के बाद बनाई जाती है। पानी शेखर का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट था जहां वो इंडिया के वाटर क्राइसिस से जुड़ी कहानी दिखाने वाले थे। फिल्म में सुशांत के कैरेक्टर का नाम गोरा होता है और साथ में अनुष्का शर्मा को भी कास्ट किया गया था। सुशांत फिल्म के लिए अपना कैरेक्टर कई महीनों से प्रिपेयर कर रहे थे जिसके लिए उन्होंने वेट भी लूज किया था। द नेम ऑफ द कैरेक्टर वाज गोरा एंड ही वुड से क्योंकि पानी की फिल्म है, ये लोअर सिटी में है जहाँ पानी कम है, तो कहते सर एक हफ्ते के बाद मिलूंगा। एक हफ्ते में ही वुड लूज, ही वुड बिकम स्किनी, कंप्लीटली स्किनी एंड कम बैक टू मी। सर देखिए, आज देखिए मुझे, मैं गोरा हूं ना, चलिए थोड़ी तस्वीरें लेते हैं और कैमरा के सामने कुछ करते हैं। तो यार 3 महीने हमने किया, ये 3 महीने तो वो आई काइंड ऑफ फेल इन लव विद हिम एज यू डू। इतना प्यार हो गया मुझे उस लड़के से कि यार ये लड़का हाउ मच ही गिव्स। तो कौन सा ऐसा डायरेक्टर है जो उसके साथ काम नहीं करना चाहेगा। फिर जब फिल्म की शूटिंग शुरू होने ही वाली थी तो प्रोड्यूसर्स ने इस फिल्म से बैकआउट कर दिया और उनका कहना था कि ये फिल्म वो सुशांत के साथ नहीं बना सकते। सुशांत के जाने के बाद कई रिपोर्ट्स सामने आई हैं कि फिल्म का बजट काफी ज्यादा था और सुशांत उस वक्त एक नए एक्टर थे तो यशराज प्रोडक्शंस को सुशांत इस फिल्म के लिए एक सूटेबल कास्टिंग नहीं लगे। पानी के कई पोस्टर्स भी लॉन्च हुए थे और जब ये फिल्म कैंसिल कर दी गई तो सुशांत बहुत रोए भी। चलो पानी प्रोड्यूसर्स ने कहा हम नहीं बनाएंगे सुशांत के साथ, नहीं बनाएंगे, पानी नहीं बनी। और 3 महीने ना मैंने फिल्म बंद हो गई, बहुत रोया वो। बंद नहीं हुई, रियलाइज ही वाज डूइंग द फिल्म, मैं भी रोया। और फिल्म तुम्बाड़ के भी वो क्रिएटिव डायरेक्टर थे। उनकी अगली फिल्म इमर्जेंस एक तरह के वायरस आउटब्रेक पे बेस्ड थी जिसके लिए सुशांत को अप्रोच किया गया था। सुशांत ने इसके रिगार्डिंग 2018 में पोस्ट भी की थी जहां वो आनंद गांधी के साथ नजर आते हैं पर उस वक्त दोनों सिर्फ फिल्म की कहानी पे काम कर रहे थे। सुशांत रियली रियली लव्ड द स्क्रिप्ट, इट्स समथिंग दैट ही वाज एक्सट्रीमली कीन ऑन बीइंग अ पार्ट ऑफ। आई वाज वेरी कीन ऑन हैविंग हिम ऑन द प्रोजेक्ट। माय लास्ट फ्यू मंथ्स ऑफ कन्वर्सेशंस विद हिम आर प्रीटी मच जस्ट मैसेजेस लोडेड विद हिम रिमाइंडिंग मी टू गेट बैक टू दिस प्रोजेक्ट। बाद में जब सुशांत अपनी दूसरी फिल्म के साथ बिजी हो गए तो इरफान खान इस फिल्म को करने में बहुत इंटरेस्टेड नजर आए पर फिर उनकी इलनेस के चलते ये फिल्म भी डिले हो गई। रिसेंटली सुशांत को दोबारा इस फिल्म के लिए अप्रोच किया गया था और वो इस साल ही इस फिल्म की शूटिंग शुरू करना चाहते थे। आनंद ने भी कई इंटरव्यूज में बताया था कि सुशांत हमेशा उनकी फिल्म को लेकर उनसे पूछते रहते थे और जब भी कोई जरूरत हो तो राइटिंग में भी मदद करते थे। Written the character imagining him, he was very keen on doing those characters as well. To the extent that one of the stories that I'd written, the character was just named Sushant, just so that I remember who's going to play it and just so that I could see him every time I write the character. Number 3, Murlikant Petkar biopic. MS Dhoni के बाद सुशांत एक और स्पोर्ट्स बायोपिक करने वाले थे जिसमें हम सुशांत को पद्मश्री अवार्डी मुरलीकांत पेटकर के रोल में देखते जो इंडिया के पहले पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। मुरलीकांत जी की कहानी बहुत ही इंस्पायरिंग है जहां 1965 में वॉर लड़ते हुए उनकी स्पाइन में गोली लग गई थी जिससे उनकी लोअर बॉडी में पैरालिसिस हो गया था। उस वक्त पैरालिसिस को लेकर ज्यादा टेक्नोलॉजी भी नहीं थी पर फिर भी मुरलीकांत जी ने स्विमिंग सीखना शुरू किया और इंडिया के पहले ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बने जिन्होंने 1972 पैरालंपिक्स में स्विमिंग के लिए गोल्ड मेडल जीता था। सुशांत इस स्टोरी से पर्सनली जुड़े हुए थे और मुरलीकांत जी से हमेशा आकर मिला करते थे। सुशांत फिर आगे अपनी फिल्म राब्ता की शूटिंग में बिजी हो गए और ये बायोपिक कभी बन ही नहीं पाई। सुशांत को इस रोल में देखना सबके लिए एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस होता क्योंकि मुरलीकांत पेटकर की स्टोरी एक फिल्म जरूर डिजर्व करती है।
नंबर 4 राइफलमैन। सुशांत हमेशा से ही एक आर्मी मैन का कैरेक्टर प्ले करना चाहते थे और 2019 में उन्हें ये मौका फिल्म राइफलमैन से मिला। ये फिल्म एक बायोपिक थी जो 1962 में हुई इंडिया चाइना वॉर पर बेस्ड थी। सुशांत फिल्म में वॉर हीरो जसवंत सिंह रावत का कैरेक्टर प्ले करते नजर आते, जिन्होंने वॉर के दौरान कई चाइनीज सोल्जर्स को मार गिराया था। सुशांत ने ये फिल्म सोशल मीडिया पर अनाउंस भी कर दी थी, पर उसके बाद ही फिल्म कॉन्ट्रोवर्सी में आ गई। जसवंत सिंह रावत के बायोपिक राइट्स ऑलरेडी खरीदे जा चुके थे और 72 आवर्स नाम की फिल्म उन पे बन चुकी थी। इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने राइफलमैन के प्रोड्यूसर्स पर केस भी कर दिया, जिसके बाद ये फिल्म कभी बन ही नहीं पाई। सुशांत सिंह राजपूत जी के ट्विटर हैंडल से एक पोस्टर आता है राइफलमैन नाम से, और उससे पहले हमारे को एक लीगल नोटिस आता है कि ये फिल्म आप नहीं बना सकते क्योंकि इसके राइट्स उनके पास है, जबकि जो राइट्स हैं इस फिल्म के वो सारे के सारे राइट्स 2015 में मैंने लिए थे, और इसमें क्लियरली उन्होंने लिखा था कि ये राइट्स आपको दिए जा रहे हैं और आपके अलावा इस पे कोई फिल्म नहीं बना सकता। नंबर 5, फिल्म कॉकटेल के डायरेक्टर होमी अजानिया भी सुशांत के साथ एक फिल्म करने वाले थे, जिसमें इरफान खान को भी कास्ट किया गया था। होमी ने ट्वीट के थ्रू इस बात की कॉन्फर्मेशन भी की थी और सुशांत ने भी उन्हें रिप्लाई करते हुए कहा था कि उन्हें स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई है और इससे बेटर क्या हो सकता है कि उन्हें इरफान खान जैसे एक्टर और एक एक्लेम्ड डायरेक्टर के साथ एक ही फिल्म में टीम अप करने को मिल रहा है। ये फिल्म भी पूरी तरह से एक कॉकटेल की तरह अर्बन लाइफस्टाइल की स्टोरी होने वाली थी, जिसे फॉरेन लोकेशन पर ही शूट किया जाना था। फिल्म की एक्ट्रेस के रोल के लिए कंगना रनौत को भी अप्रोच किया गया था, पर उस वक्त उनकी और ऋतिक रोशन की कॉन्ट्रोवर्सी चल रही थी, जिसकी वजह से वो प्रोड्यूसर्स से मिल ही नहीं पाई। कंगना ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में बताया कि फिल्म की कहानी एक अर्बन कपल के अराउंड बेस थी और उस वक्त मेरी लाइफ इतनी खराब चल रही थी कि मैंने किसी भी फिल्म को साइन नहीं किया था। सुशांत के जाने के बाद अब मुझे रियलाइज होता है कि अगर मैंने वो फिल्म साइन कर दी होती तो शायद आज हम अच्छे दोस्त होते और शायद हम दोनों की लाइफ आज बहुत डिफरेंट होती। होमी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो इस फिल्म के स्क्रीन प्ले पर और काम करना चाहते हैं, इसलिए फिल्म को डिले कर दिया गया है और आगे ये फिल्म कभी बन ही नहीं पाई। नंबर 6, चंदा मामा दूर के। सबको पता है कि सुशांत स्पेस और साइंस में बहुत इंटरेस्ट लेते थे और उनका हमेशा से मन था कि वो कोई स्पेस ओरिएंटेड फिल्म में काम करें। सुशांत ने एक फिल्म भी अनाउंस की थी जिसका नाम चंदा मामा दूर के था, जिसमें सुशांत एक एस्ट्रोनॉट के रोल में नजर आने वाले थे। इस फिल्म की रिसर्च के लिए वो नासा भी गए थे, क्योंकि फिल्म में वो एक एस्ट्रोनॉट बनने की जर्नी दिखाना चाहते थे जो पहली बार एक स्पेस मिशन पर जाता है। बट दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ माय नेक्स्ट फिल्म, दैट्स चंदा मामा दूर के, दैट्स गोना स्टार्ट इन नेक्स्ट 2 months. And yeah, so in that film, it is mandatory for me to have a very, very great athletic kind of physique, because astronauts are like, so we will show the entire making of astronaut in that film. So yeah, the physical appearance means a lot. फिल्म के बनने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी, क्योंकि ये बड़े बजट की फिल्म थी और प्रोड्यूसर्स उतना बजट लगाने को तैयार नहीं थे। सुशांत ने फिर इस फिल्म को खुद प्रोड्यूस करने की अनाउंसमेंट भी की थी, पर ये फिल्म कभी बन नहीं पाई। But Singh feels he and two other Bollywood A-listers are still going to be able to instill the same emotion, create the same kind of visual experience as you probably get to see in films like Gravity and Interstellar. Charming, isn't he? नंबर 7, सुशांत ने इस साल ऑलरेडी एक फिल्म साइन कर ली थी जिसमें वो रिया चक्रवर्ती के साथ नजर आने वाले थे। ये फिल्म एक रोमकॉम होने वाली थी जिसकी शूटिंग मार्च में शुरू होनी थी, पर लॉकडाउन की वजह से ये फिल्म की शूटिंग डिले हो गई। फिल्म के डायरेक्टर रूमी जाफरी ने एक इंटरव्यू में बताया कि लॉकडाउन के दौरान भी सुशांत और उनकी कई बार वीडियो कॉल्स हुई थी, जिसमें वो फिल्म को डिस्कस किया करते थे। रूमी जाफरी ने कहा कि सुशांत इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड थे और वो बस फिल्म की शूट जल्द से जल्द स्टार्ट करना चाहते थे। मतलब हम लोग शूटिंग करने वाले थे ये मई से, लास्ट मंथ से। अच्छा। जो हमने प्लान किया था कि एक यहाँ पे सेट लगाएंगे बॉम्बे में, यहाँ मुहूर्त करेंगे, गाना पिक्चराइज करेंगे। अच्छा, क्योंकि वो डांसर बहुत शानदार था, उसको डांस का शौक भी था और उतना अच्छा डांस वो अभी तक उसको फिल्म में, उसने कहा कि इस फिल्म में मैं जो है ना तगड़ा डांस करना चाहता हूँ। मैंने ठीक है, तो यहाँ करेंगे और फिर यहाँ से हम लोग, फिर कोई कहानी जो है वो नॉर्थ की और यूके की थी कि यहाँ सेट लगा के करेंगे और फिर हम लोग यूके जाएंगे शूटिंग करने और उसके बाद आके ठंड में इधर करेंगे नॉर्थ में और पिक्चर खत्म हो जाएगी। इसके अलावा सुशांत एक वेब सीरीज में भी नजर आने वाले थे, जो एक बहुत ही अलग तरह की वेब सीरीज होने वाली थी। ये एक बायोग्राफी सीरीज थी जिसमें सुशांत 12 एपिसोड्स में हमारी कंट्री के लेजेंडरी पर्सनालिटीज चाणक्य, रविंद्रनाथ टैगोर, एपीजे अब्दुल कलाम और ऐसे कई लोगों के कैरेक्टर्स प्ले करने वाले थे। इस सीरीज को ऑफिशियली अनाउंस भी कर दिया गया था, पर ये सीरीज भी कभी बन नहीं पाई। So, is there a plan to continue that, or is there a lineup? Well, there was a plan when I
find it, but I'm not a producer, so I don't know. But yeah, obviously they took the rights of all the 31 stories of Sharad Dindu. So yeah, the plan was there at that point of time, but I don't know. Things change. वीडियो खत्म करने से पहले आप हमें जरूर बताएं कि इन सभी फिल्म्स में से आप सुशांत को किन फिल्म्स में देखना सबसे ज्यादा पसंद करते। इसके अलावा आप हमें और वीडियोस के लिए आइडियाज भी दे सकते हैं और हम सभी के कमेंट्स पढ़ते हैं और आपका फीडबैक हमारे लिए एक अलग वैल्यू ऐड करता है। तो चलिए, दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहां आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं। I'll be the Neil Armstrong of India.